संगमेश्वर धाम उरनाए पिहोवा की पंचायत की निकामी के कारण गाँव का खस्ता हालत। प्रसिद्ध तीर्थ संगमेश्वर धाम पिहोवा की ग्राम पंचायत उरनाए गाँव का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर गाँव वासियों का रहना दूभर हो गया है। गाँव के बीचों बीच एक गंदा जोड़ है जो हमेशा गंदे पानी से भरा रहता है और इसके चारों तरफ लोगों का घर है। यहाँ पर थोड़ी सी बरसात होने के बाद ही इस जोड़ से गंदा पानी निकल कर लोगों के घरों में घुस जाता है व आसपास की गलियाँ 3 से 4 फुट तक इस गंदे पानी में भर जाती हैं, जिस कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन नरक के समान हो गया है। गाँव के इस जोड़ में इतनी गंदगी है कि वहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो गया है। गंदे पानी से मच्छर, मक्खियाँ, सांप, बिच्छू अक्सर निकलते रहते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को इनकी चपेट में अक्सर आते हैं। इस गंदे पानी की वजह से गाँव में बीमारियाँ फैलती हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। उनकी सुनवाई कभी नहीं हो रही। गाँव वासियों का कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत से लिखित कई बार शिकायत की है और प्रशासन से आगे की इसके बारे में गुहार लगाई है, परंतु ना तो ग्राम पंचायत और ना ही प्रशासन इसकी तरफ से कोई ध्यान दे रहा है। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से और अपनी समस्या बताइए। सर, मैं ओम प्रकाश हूँ, गाँव उरनाए से है, शहर पिहोवा। पिहोवा से करीब 4 किलोमीटर दूर गाँव पड़ता है और वहाँ पे एक ऐतिहासिक मंदिर है श्री संगमेश्वर धाम, जो कि यहाँ पे देश विदेश से भी आते हैं और आप ऑल इंडिया के आते हैं। तो हमारे बस्ती है वहाँ पे, एक बाजीगर बस्ती, उसके पास जोड़ एक 3-4 कनाल का जोड़ है, जो उसका पानी जो है उसकी कोई निकासी नहीं है सर। तो उसमें जो टॉयलेट का पानी है वो भी उसी में गिरा हुआ है। बरसात आ जाए तो 5-5 फुट पानी हो जाता है सर। हमें वहाँ सारा दिन में करीब 2-3 बारी सांप बिच्छुओं को मारते हैं सर। सारा दिन इसी ड्यूटी पर रहते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि बच्चा ना बीच में गिर जाए, कोई हादसा ना हो जाए। सर, हमें घुट घुट मारने से तो सर हमें एक बारी जहर दे दे हम मर जाएंगे, तो अच्छी बात है सर, हम परेशान हैं। पंचायत इसके बारे में कुछ नहीं कर रही सर, कुछ नहीं कर रही पंचायत। हमने उसके पास, पंचायत के पास भी 100 दफ़ा जा के आए, SDM साहब के पास भी गए हैं सर, प्रशासन के पास भी गए हैं सर, अभी हमारा कोई हाल नहीं हुआ सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ की इसकी निकासी करके बाहर और इसको बंद किया जाए, तो जितने बच्चे हैं सब बीमारियों से बच जाएंगे सर। ये पानी बहुत चढ़ा हुआ है, आप भी पानी चढ़ा हुआ है सर।